इंटरव्यू के लिए लेट हो जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो फंस गए रे भाई। तो दोस्तों अभी पैदल जा रहा हूँ। ओके, मैं तो पहुँच गया हूँ। ये देखो साइन बोर्ड ऊपर में लिखा है, तो यहाँ पर लगता है लोग भी आ चुके होंगे। वो लोग सेल्समैन का काम दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद सभी थी होंगे। तो संजय टी आर ब्लॉग्स में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो सुबह सुबह मैं निकल गया हूं थोड़ा सा बाहर, और सुबह का हवा जो है ना बहुत ही ताज़ा फ्रेश लगता है, तो इसलिए मैं निकल गया हूं थोड़ा सा हवा खाने के लिए। और फिलहाल कल बहुत ज़्यादा बारिश गिरा था, और बारिश गिर के भाई हम लोग को डिलीवर करना पड़ा पूरा दिन। और क्या बताऊँ, पूरा सर्दी जुकाम जैसा हो गया है, पूरा बदन दर्द हो गया है। और फिलहाल देखो धूप भी बहुत ज़रा दे रहा है आज तो भाई दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब जब मैं पार्सल देता हूँ, डिलीवर करता हूँ, तब बहुत ज़्यादा बारिश गिरता है और तबीयत भी उधर से ख़राब हो जाता है। फिलहाल थोड़ा सा बाहर में घूमने के लिए निकल गया हूँ, और 10 बजे थोड़ा सा जाना है, मुझे काम है 10 बजे। परसों मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था थोड़ा सा नए काम के लिए, तो फिर वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है आज जाके। लगभग सुबह का अभी 8 बजने वाला है, और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल गया भाई। वैसे थोड़ा सा दुकान में जाना है, दुकान में भी थोड़ा सा काम है, क्योंकि दुकान से थोड़ा सा चीज़ें लेना है, फेविक्विक लेना है मुझे। तो पास में ही है, यहाँ पर है दुकान। तो सुबह सुबह दोस्तों लोग जो है ना दुकान ही खुला है, और मैं सोच रहा था कि पीछे का जो दुकान है तो वहाँ से कुछ लूँगा, तो यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर सब बंद पड़ा है, तो बाद में आके देखना पड़ेगा। फिलहाल मेरे सामने है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो देखो यहाँ पर भी लोग कम है, और देखो साइड में अभी धूप बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो सामने नहीं जाएंगे, तो अभी बैग करके घर में चला जाएंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करना है, और ऊपर से 10 बजे काम भी है, नसीब में होगा तो काम मिलेगा नया काम। तो 10 बजे बुलाया गया था मुझे, देखते हैं 10 बजे जाकर क्या होता है। और सुबह सुबह तो लोग जो है काम पे निकल गए हैं, और मैं तो नहीं जाऊँगा आज। सुबह सुबह जो है ना ऑक्सीजन का ताज़ा हवा बहुत ही मिलता है भाई, और बिना राइड किए सुबह सुबह पैदल चल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉर्निंग वॉक। कभी कभी ऐसा करना चाहिए। हर रोज़ हम लोगों को स्कूटी चलाना पड़ता है काम पे जाके, तो बहुत ज़्यादा राइड हो जाता है दिन का, करीब 200 किलोमीटर तो राइड ही हो जाता है भाई, तो हालत ख़राब हो जाता है हम लोगों का, पूरा बदन दर्द हो जाता है, पूरा एकदम चूर भूर हो गए। फिलहाल अभी घर के रास्ते तो आ गया है, तो चलिए घर में जाते हैं और थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा बाज़ार में जाएंगे दोस्तों, बट भी बहुत है ना, तो इसलिए बहुत ही हिचकोली हो रहा है। देखो अभी करी धूप हो गया है, अभी भी दुकान नहीं खुला है, तो सामने बाज़ार में जाके देखेंगे। वैसे ऐसे राइड के लिए हमेशा एक्शन कैमरा प्रेफर करना चाहिए, और मैं यहाँ पर स्टैंड के माध्यम से मोबाइल कनेक्ट करके जा रहा हूँ। गड्ढे बहुत हैं, ओए होए होए होए, ये देखो बड़ा बड़ा गड्ढे, और लोग जो है निकल गए हैं बाहर, एक भी दुकान नहीं देख रहा है भाई, सब बंद पड़ा है। देखो सब बंद पड़ा है दुकान। आज हॉलीडे क्या भाई, हॉलीडे है क्या आज? अभी 8 के ऊपर बज रहा है सुबह का, तो अभी भी दुकान सब बंद है, लगता है 9-10 बजे खुलेगा। तो कुछ सामान खरीदना था दुकान से, वो भी नहीं मिल रहा है अभी। फिलहाल देखते हैं और भी सामने जाके। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, जैसे आ गए तो आ गया, थोड़ा सा बाज़ार घूम के जाते हैं घर, तो बाद में देखेंगे क्या होता है। दुकान तो नहीं खुला अभी, सब कुछ बंद पड़ा है, देखो इधर भी बंद है, उधर भी बंद है, और पीछे भी बंद। फिलहाल अभी थोड़ा सा टाउन पे थोड़ा सा घूम के आएंगे, और देखो
अभी ट्रैफिक वगैरह शुरू हो गया है, मैं भी अभी शुरू हो जाता हूँ। लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ओके, स्टार्ट हो गया है। सुबह सुबह राइड के लिए निकला हूँ, अभी मज़ा होगा रे। और देखो साइड साइड में बाज़ार तो हो गए हैं, थोड़ा सा फल वगैरह सब्जी वगैरह सामने देखने को मिलेगा। ये होलसेल मार्केट सुबह सुबह शुरू हो जाता है, तो गोप्रो जैसा शॉट लेने का कोशिश कर रहा हूँ अभी। गोप्रो जैसा तो नहीं होगा भाई, एक्शन कैमरा जैसा, क्योंकि स्टैंड के माध्यम से भाई शूट कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर तो हो जाएगा। फिलहाल अभी रास्ते में कोई नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से शूट कर पा रहा हूँ। और 9-10 बजे तो भाई इतना ट्रैफिक हो जाएगा तो शूट करने में जो है ना दिक्कत हो जाता है। तो ये देखो अभी कोई नहीं है, इसलिए अच्छी तरह से शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं। ये लो भाई यू टर्न, यहाँ से यू टर्न लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे घर में। फिलहाल साइड साइड में देखो दुकान सब बंद पड़ा है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ले लूँ, चीज़ें वगैरह खरीद लूँ, दुकान बंद पड़ा है तो क्या करें भाई, घर में जाना पड़ेगा अभी। और लगभग अभी 8:30 हो गया है करीब करीब, और नहा वहा के कुछ खाना वाना खा के उसके बाद जाना है 10 बजे ऑफिस, नया ऑफिस इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से आते हैं राइट, और राइट मिलेंगे। ओके, तो जाते हैं अभी घर। और कल रात को बारिश तो है ना, पूरा रात गिरा था भाई, साइड साइड में आप झलक देख सकते हैं। और यहाँ पर गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा दिया से जला पड़ेगा। एक हाथ से चलाने का एक्सपीरियंस पूरा हो गया है, हमेशा एक हाथ से चलते चलाते भाई पूरा एक्सपर्ट बन गया हूँ। शॉर्टकट, ओके, घर पहुँच गया दोस्तों। अच्छी तरह से जाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ है। ओके, तो ऑफ कर देता हूँ चाबी। चलिए अभी घर चलते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ओके दोस्तों, रेडी वगैरह हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। देखते हैं जाके क्या होता है। और खाने वाना तो खा लिया है, नहा भी लिया, थोड़ा सा बाल बाल कटवाना था, तो इतना टाइम नहीं है भाई। तो देखते हैं जाके क्या होता है। मेरा दोस्त भी आने वाला है, तो फिलहाल उनका प्रतीक्षा करते हैं और जाते हैं एक साथ। तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं, और मेरा स्कूटी वगैरह रेडी कर दिया है बाहर निकल के। बहुत ज़्यादा सीट भी बहुत गर्म हो गए हैं, धूप जो है ना पूरा फटा फटा दे रहा है भाई। ओके, चलिए इंटरव्यू के लिए लेट हो जा रहा हूँ तेरी। ओके, स्टार्ट हो गया है दोस्तों, शायद पेट्रोल कम हो गया है तो इसीलिए ऐसा हो रहा है भाई। ओके दोस्तों, पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। फिलहाल स्कूटी को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। फंस गए अरे भाई, कोई बात नहीं, पैदल ही जा सकते हैं। स्कूटी ले जाएंगे तो भाई बाद में पेट्रोल नहीं है ऊपर से तो फंस जाएंगे भाई। तो स्कूटी को साइड कर लेता हूँ पहले, मर गया। तो चलिए अभी डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिया है और पैदल ही चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी पैदल जा रहा हूँ, फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा हो गया है तो चलने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो इसीलिए शायद आज
मेरा स्कूटी साथ नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, सामने ही हूँ, पहुँचने वाला हूँ, ज़रा दूर तो नहीं है, टाउन पे ही हूँ। तो इस छोटे से गली से अभी निकल रहा हूँ। ओके, मैं तो पहुँच गया हूँ। ये देखो साइन बोर्ड ऊपर में लिखा है, तो यहाँ पर लगता है लोग भी आ चुके होंगे। तो अभी दोस्त को प्रतीक्षा करते हैं, वो भी आने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में मैं बैठा हूँ चेयर पे, और फिर जब अंदर बुलाएंगे तब जाएंगे। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इंटरव्यू वगैरह ख़त्म हो गया है, तो क्या बताऊँ भाई। ऑफिस में जाके देखने को मिला कि सुनने को मिला कि वो लोग सेल्समैन का काम दे रहे हैं, जो नोटिस बोर्ड पे लिखा था, और नोटिस में लिखा कि ऑफिस का नाम है हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही कुछ। तो सोलर प्रोजेक्ट का कुछ काम दे रहे थे, तो गांव-गांव में जाके लोगों को बताना होगा कि सोलर का ऐसा कोई प्रोडक्ट है, आप लोग खरीदेंगे या फिर नहीं, ऐसे कुछ समझाना होगा। तो हम 3-4 महीने के लिए वो लोग ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग चलने के दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड देगा, तो करीब करीब 6 या फिर 7 हज़ार मिलेगा 4 महीने के लिए। 4 महीने का ख़त्म होने के 4 महीने ख़त्म होने के बाद आपको ट्रेनर एज ए ट्रेनर की तरह आप लोग काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा भाई, तो देखते हैं ये जॉब करूँगा या फिर नहीं। फिलहाल अभी यहाँ पर बैठा हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ भाई। तो दोस्त लोग भी गए हैं ऑफिस में, खैर यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ भाई। तो फिलहाल मैं घर में आ गए हूँ दोस्तों, तो अभी लगभग 1 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई, क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक एंड शेयर करना, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल और नए ब्लॉग में। चले, बाय बाय टाटा।